हेलो फ्रेंड्स, रियल रिवाइंड के लास्ट वीडियो में हमने आपसे हिंदी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म आलमारा के बारे में बात की थी। पर क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा की दूसरी बोलती फिल्म कौन सी थी? क्या आपको पता है कि इंडिया की पहली म्यूजिकल फिल्म कौन सी थी? और क्या आप ये जानते हैं कि किस फिल्म के नाम है सबसे ज्यादा गानों का रिकॉर्ड? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल रिवाइंड। मैं हूं फरहा। आलमारा बनाने वाले इंपीरियल मूवी टोन और मदान थिएटर्स के बीच सिनेमा के मूक युग से ही कंपटीशन था। होता भी क्यों ना, मूक युग की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज थी ये दोनों, और इसलिए बोलते युग में कदम रखने में भी दोनों ने कोई कसर ना छोड़ी। मगर बाजी मार ले गए इंपीरियल के मालिक आर्यशीर ईरानी और जे मदान पीछे रह गए। मदान थिएटर की पहली फिल्म आलमारा के एक महीने बाद रिलीज हुई और नाम था शीरी फरहाद। बिल्कुल फ्रेंड्स, यही शीरी फरहाद थी हिंदी की दूसरी बोलती फिल्म। शीरी फरहाद एक पर्शियन लोक कथा थी जिसे उर्दू ड्रामा की शक्ल दी आगा हश्र कश्मीरी ने, और इन्हीं आगा हश्र कश्मीरी ने ये मूवी भी लिखी थी। बात करूँ अगर शीरी फरहाद की तो ये मूवी हर लिहाज से आलमारा से बेहतर थी, चाहे एक्टिंग हो या टेक्निकल पॉइंट। वैसे इस मूवी का लीड पेयर जो कि जहां आरा कज्जन और मास्टर निसार थे, वो भी आलमारा के मास्टर विठल और जुबैदा से ज्यादा पॉपुलर हुए। जहां आरा कज्जन मूक युग की एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस थी जिन्हें देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल में उमड़ पड़ते थे, और जब ये जहां आरा बोलती और गाती दिखाई दी तो लोगों की दीवानगी और बढ़ गई। शीरी फरहाद की इटर्नल लव स्टोरी ने ये साबित किया कि प्यार देश और काल की सीमाओं में कभी नहीं बनता। शायद इसीलिए ये फिल्म दो बार मूक युग में और चार बार सवाक युग में बनी। 1931 रिलीज शीरी फरहाद में कुल 40 गाने थे और ये सारे के सारे गाने लीड पेयर पर ही पिक्चराइज थे, और इन्हीं दोनों ने गाए भी थे। 2 घंटे और 40 मिनट की इस फिल्म का प्रचार भी शीरी फरहाद म्यूजिकल के नाम से ही हुआ था, और इस तरह 40 गानों के साथ शीरी फरहाद हिंदी सिनेमा की पहली म्यूजिकल फिल्म बनी। वैसे ये 40 गाने भी आगा हश्र कश्मीरी ने ही लिखे थे। अगर आपको ये लग रहा है कि 40 गानों वाली शीरी फरहाद के नाम ही सबसे ज्यादा गानों का रिकॉर्ड है, तो लेट मी टेल यू, आप हैं बिल्कुल गलत। जिस मूवी के नाम ये रिकॉर्ड है उसके प्रोड्यूसर जे मदान ही थे। लीड एक्टर और एक्ट्रेस मास्टर निसार और जहां आरा कज्जन ही थे। मूवी और उसके गाने भी आगा हश्र कश्मीरी ने लिखे थे, बस मूवी शीरी फरहाद नहीं थी। ये मूवी थी 1932 में रिलीज इंद्रसभा, और इस मूवी में कुल 72 गाने थे। वैसे आपको इंद्रसभा के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो रियल रिवाइंड के आने वाले वीडियो जरूर देखिए। आज का रियल रिवाइंड का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए रियल रिवाइंड को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय। Real. Refined.